उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के करछाना अमर शहीद गिरीश कुमार शुक्ल स्मारक गुरुकुलम पब्लिक स्कूल हनुमानपुर में रविवार से आयोजित 3 दिवसीय शहीद राघवेंद्र शुक्ल खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों के लिए इलाकाई टीम का जमावड़ा रहा। खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य रूप से मौजूद रहे युवा नेता विवेक मिश्र आशु ने फीता काट कर खेल का शुभारम्भ किया। उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए इस तरह का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि खेलने से तन और मन दोनों स्वस्थ होता है। इस प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही खेल की चेयरमैन व शहीद पत्नी कविता शुक्ला ने अमर शहीद राघवेंद्र शुक्ल के खेल पिरामिड का ध्वज भी लहराकर खेल को गति दी। साथ ही साथ दीप प्रज्वलन किया गया और राष्ट्रगान भी गाया गया। आपको बता दें कि इसमें जीएस एकेडमी धरवारा व जयपत्ती देवी इंटर कॉलेज मंडवा के बीच क्रिकेट का उद्घाटन मैच खेला गया। कबड्डी का दूसरा मैच अमर शहीद स्मारक गुरुकुलम पब्लिक स्कूल हनुमानपुर व एचपी भड़ेवरा की टीम के बीच रोमांचक कबड्डी हुई। शहीद राघवेंद्र जी की जो दिली इच्छा थी उस दिली की हार्दिक दिल की इच्छा को पूरा करते हुए ये खेल हो रहा है और खेल हमारे पूरे समाज को एक जोड़ने का काम है जो वाकई बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम है जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। आपका परिचय? विवेक मिश्रा आशु कठिनाई है। बहुत ही अच्छा बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम है। यह हमारे जो दादा श्री राघवेंद्र शुक्ला जी की यह इच्छा थी, वे सदैव इस खेल के प्रति जो है हमेशा रुचि रखते थे और वे हमारे बीएसएफ में सैनिक थे। उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 17 जुलाई को वे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। इसके पहले 3 जून को इनके पिता श्री अमर शहीद गिरीश शुक्ला जी देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए अपने सीने पे गोली खाई और उनके जो है शहीद होने के बाद उनकी क्रिया में हमारे ये भ्राता राघवेंद्र शुक्ला जी आए और उसके बाद ये पुनः जब अपने कैंप में पहुँचे ये भी मुठभेड़ में शहीद हो गए। इनकी रुचि थी कि खेल के माध्यम से बच्चों को आपस में प्रेम से कैसे सौहार्दपूर्वक आपस में कैसे रहें, ये कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, इसको बताने का एकमात्र साधन यह खेल है। क्योंकि खेल के माध्यम से हम कई लोग कई खिलाड़ी कई जगहों से आते हैं, एकत्रित होते हैं, कैसे आपस में मिलते हैं, कैसे खेला जाता है, इस तरह की भावना प्रेम की भावना खेल के माध्यम से बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास ये सब भावनाएं उनके शरीर के द्वारा उनके मन में सदैव उत्पन्न हो, इसके लिए उनकी यह चेष्टा थी। उन्हीं की चेष्टा को पूरा करते हुए उनके छोटे भाई हमारे अमर शहीद गिरीश शुक्ला शिक्षा सेवा समिति के प्रबंधक नागेंद्र शुक्ला जी की यह इच्छा थी कि अपने भाई की याद में। इलाहाबाद से ये थी राजी की रिपोर्ट।